सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आपके दिल में सुकून है, हृदय में शांति है तो आपके आसपास की कोई भी घटना आपको परेशान नहीं कर सकती। कामयाब होने के लिए अभी आपके पास जो है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने जीवन के बड़े रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, यह हमारी जिंदगी में बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। आज का पंचांग 3 मार्च 2021 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 1:36 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:38 से 2:06 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 3 मार्च 2021 दिन बुधवार, अभी आप पार्टी भरा जीवन चाहते हैं ताकि क्लबों और समूहों में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। प्रशिक्षण में भाग लेने और नए कौशल सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। बातचीत में दुश्मन के इरादों को नजरअंदाज करें, इसके बजाय प्रियजनों के साथ समय बिताकर आराम पाएं। अपनी नौकरी पर ध्यान दें और एक साथ कई गतिविधियों से बचें। लक्ष्य को नजदीक पाकर आपको अपना काम मनोरंजक लगेगा। अपनी उत्पादकता के बारे में जानकर आप प्रसन्न होंगे। रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करने के लिए समय निकालें। जिंदगी में अनुभव अच्छे से हो या बुरे, उनसे सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। आज कोई नई जानकारी अथवा समाचार मिल सकता है। बातचीत के माध्यम से आप अपने काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। मित्रों का साथ और सहयोग आपकी हिम्मत को और बढ़ाएगा। हर बात के बारे में केवल चिंता ही करते रहने का आपका स्वभाव बन रहा है, इसलिए अधिकतर वर्तमान में रहकर आसपास की घटनाओं का आनंद लेना सीखना होगा। हर किसी बात को बीच में ही छोड़ने की वजह से आप किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं देख पाएंगे, इसलिए अपने प्रयत्नों को एक दिशा में ही रखकर जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक आपको ध्यान विचलित नहीं होने देना है। काम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिन की शुरुआत में ही लें। सावधानियां, आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए अभी से अपना बजट बनाकर चलेंगे तो उचित रहेगा। ध्यान रखें कि किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घरेलू जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आएगी, लेकिन स्थिति को संभालने का दायित्व आप पर ही रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। जीवन को रोमांस और उत्साहित बनाने के लिए अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाएं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करें। मोहब्बत को जीवन बनाए रखने के लिए आपके प्रयास जरूरी हैं। विवादों और मुकदमेबाजी जैसी बाधाओं को अपने साथी के साथ मिलकर आप चुटकी बजाते ही दूर कर लेंगे। कम महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी आपके रोमांटिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण है क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। आज आर्थिक रूप से भी आपको फायदा होगा। बात करते हैं करियर की। आज सब कुछ भूलकर अपनी शक्ति और प्रदर्शन पर विश्वास करें। धन के नुकसान से बचने के लिए आज ऋण लेने या देने से बचें। अपनी प्रतियोगिता की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अपने अधीनस्थ या सेवक की तारीफ करें क्योंकि वे आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
अपनी जॉब पर ध्यान दे और अपनी इसी इधर उधर भटकने ना दे। आशा आपका काम आपको आनंद देगा और आपकी लक्ष्य आपसे कुछ ही दूरी पर है। अपनी ऊर्जा अपने रिश्तों पर भी खर्च करें। जीवन में लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें खुशी नहीं होती। बात करते हैं सेहत की। आशा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास ऊर्जा रहेगा। कुल मिलाकर आपके अच्छे हालात हैं। आप आनंद ले जिम जाए और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठाएं। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।